इंदौर में कोरोना काल के दौरान हुए कामों की जानकारी लेने आज केन्या का एक डेलीगेशन इंदौर पहुंचा, जहां पर उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर शहर में हुए कामों की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उनके देश में किए गए वैक्सीनेशन को लेकर हुए कामों को भी साझा किया। दरअसल स्वच्छता में नंबर वन इंदौर शहर में वैक्सीनेशन के मामले में भी नंबर वन पर उभरा था, जहां इंदौर में वैक्सीनेशन के दूसरे डोज में भी 100% लोगों का टीकाकरण बनने वाला पहला शहर इंदौर बना था। वहीं कोरोना का हॉटस्पॉट बनने के बाद भी उन परिस्थितियों को प्रभावी रूप से संभाला था। इन सभी चीज़ों को जानने के आज केन्या का एक दल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर शहर में हुए कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उनके देश में चलाई गई वैक्सीनेशन मुहिम की जानकारी में प्रशासनिक अधिकारियों से साझा की। नहीं, वो केन्या का डेलीगेशन आए कोविड में, हमारे ना हेल्थ सिस्टम की कैसे रिस्पांस रहा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे रिस्पांस रहा, उसका वो लोग ना स्टडी कर रहे थे। एंड वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन का अवेलेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन है ना कैसे रखा है, तो उन्होंने कहा क्राइसिस टाइम पे ना, मतलब है ना, हमारी कंट्री ना बहुत ही बेहतर वे में ना काम करता है कि ना सारे लोगों के ना हेल्प मिलता है। हमारी नीचे का वॉलंटियर से लेके सामाजिक संगठन से लेके पॉलिटिकल पूरी टीम है ना एक साथ है ना जुट करके, मतलब है ना काम किया गया, उस प्रकार का ना डिस्कशंस हुआ है। तो उन्होंने अपना कंट्री का एक्सपीरियंसेस भी ना शेयर किया है वैक्सीनेशन के लेकर, उस टाइम हमारी कंट्री को कैसे, किस प्रकार का वैक्सीन अवेलेबल था, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। कल उन लोगों ने आशा कार्यकर्ता, ये एनएम और फील्ड लेवल पे हमारी ना टीम है, उनको भी मुलाकात हुई है। वो लोग काफ़ी इम्प्रेस भी हुए हमारे टीम से कि यू नो ये लोग ना नीचे लेवल पे ना जाके ना काम कर रहे हैं। एंड वो लोग टेम्पल भी विजिट किए, टेम्पल और मास्क के पास है ना कहाँ वैक्सीनेशन सेंटर था वो जगह भी ना विजिट किए।